44 साल का नौजवान भागा नहीं रूस से लड़ा। एक कॉमेडियन कैसे बना यूक्रेन का राष्ट्रपति। यूक्रेन को हल्के में लेकर माथा पीट रहे हैं पुतिन। अनिल कपूर की फिल्म नायक याद होगी, कुछ सवालों के कारण वो एक राज्य के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। असल जिंदगी में ठीक ऐसा ही यूक्रेन में हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एक एक्टर और कॉमेडियन है। दुनिया को अंदाजा नहीं था एक कॉमेडियन पुतिन की गले की फांस बन जाएगा। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन का अनुभव काम नहीं आया। पुतिन को अंदाजा था यूक्रेन पर हमला करते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति भाग जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल उठता है कि 44 साल की उम्र में भारत में ठीक से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो वो कौन है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। रूस के हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा, तुम वहां से निकल जाओ, बाकी लड़ाई होती रहेगी, देखा जाएगा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, नहीं, भागने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं, लड़ने के लिए हथियार चाहिए। इस बात से उस कॉमेडियन की विल पावर, क्षमता और कुशलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो हंसाता था, जिस पर लोग हंसते थे, उसकी काबिलियत देखकर लोग हैरान हो गए। कैसे तेज के सामने सालों का अनुभव हार जाता है, ये भी साबित हो गया। यूक्रेन में एक टीवी शो काफी लोकप्रिय हुआ। शो का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। 2005 से 2019 तक ये शो चला, लेकिन कॉमेडी से सरकार की आलोचना करने वाले एक दिन खुद सरकार बन जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। कैसे, वो भी समझाते हैं। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की कहानी भी ठीक आपकी हमारी जिंदगी की तरह है। जिंदगी में करने कुछ चलो तो हो कुछ जाता है। जैसे चाय बेचने वाला पीएम बन जाए, मठ में बैठने वाला सीएम बन जाए, कौन जानता था। ठीक ऐसा ही हुआ यूक्रेन में। अपने शो में सरकार की खिंचाई की तो जनता को पसंद आने लगी। कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक पारी नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई आंदोलन नहीं। यूक्रेन में चुनाव हुआ, नामांकन भरा और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बन गए 41 साल की उम्र में यूक्रेन के नौजवान राष्ट्रपति। टीवी शो में कॉमेडी करने वाले वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का किरदार भी राष्ट्रपति का था। नकली राष्ट्रपति का किरदार सालों तक निभाते रहे, लोगों को पसंद आया तो जनता ने उन्हें असली राष्ट्रपति बना दिया। बिल्कुल कहानी फिल्मी लगती है। पुतिन को लगा कि वो तो कॉमेडियन है, भाग जाएगा, बस लड़ाई छेड़कर खुद किंग साबित करने की कोशिश में जुट गए। लेकिन पुतिन पूरी तरह से गलत थे। कॉमेडियन तो शेर निकला, वो भागा नहीं, वो लड़ा। अब पुतिन बुरी तरह से फंस गए हैं। लड़ाई करे तो दुनिया रूस का बायकॉट कर देगी, रूस के सामने भारी संकट खड़े हो जाएंगे। लड़ाई ना करे तो पुतिन का कद चवन्नी हो जाएगा, दुनिया में बड़ी किरकिरी होगी। कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 3 दिन पहले कहा, हम डरते नहीं, सामना करेंगे। मतलब इतनी क्षमता यूक्रेन लाता कहां से है, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि रूस और यूक्रेन की ताकत में कोई समानता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सैन्य ताकत में रूस दुनिया के 140 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि यूक्रेन 22 नंबर पर है। रूस के आगे यूक्रेन की सैन्य ताकत न के बराबर है। रूस के पास दुनिया का सबसे विस्फोटक एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 मौजूद है। रूस के पास 8.5 लाख सैनिक है, जबकि यूक्रेन के पास मात्र 2 लाख। रूस के पास पैरामिलिट्री जवानों की संख्या 2.5 लाख है तो यूक्रेन के पास मात्र 50,000। हवाई हमले की स्थिति में यूक्रेन की सेना रूस के सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। रूस के पास लगभग 4,173 एयरक्राफ्ट है, जबकि यूक्रेन के पास 318 एयरक्राफ्ट है। रूस के पास 772 फाइटर जेट के मुकाबले यूक्रेन के पास सिर्फ 69 फाइटर जेट्स हैं। रूस के पास 1543 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास 112 हेलीकॉप्टर्स हैं। रूस के पास तकरीबन 1218 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास मात्र 187 हैं। साफ है कि दोनों देशों की सैन्य ताकत में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी यूक्रेन किस आधार पर अभी तक रूस के सामने टिका है। रूस घमंड में तो यूक्रेन हिम्मत और साहस से फैसला ले रहा है। यूक्रेन अगर बच गया तो दुनिया कहेगी सुपर पावर जैसी बातें भी समझ और हौसले के सामने फीकी पड़ सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तारीफ होनी चाहिए। हालांकि यूक्रेन की नीतियां भारत के खिलाफ रही, फिर भी जंग के मैदान में योद्धा की तारीफ की जाती है, जैसे रामायण में राम ने मेघनाथ और रावण की तारीफ की थी।